हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आजकल ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और गर्मियों ना आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता है, तो आज मैं घर पे ही आइसक्रीम बना रही हूँ। और मैं ना इस आइसक्रीम में ना ही कोई कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, ना ही मिल्क पाउडर और ना ही कोई व्हिप्ड क्रीम। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। बस मैंने यहाँ पे ना कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है। आप चाहें ना कस्टर्ड पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप ना डालें, सिंपल भी बना सकते हैं। बस दूध को ना थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा करना पड़ेगा। तो जैसे ही दूध गर्म हो जाए तो उसे एक कटोरी में निकाल के 2 से 2.5 चम्मच उसमें कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख दें और दूध को गाढ़ा करने के लिए छोड़ दें। जब दूध थोड़ा गाढ़ा बन जाएगा, थोड़ी देर उसको बॉइल करना है। जितना ही आपका दूध गाढ़ा बनेगा ना, तो उतनी ही आपकी जो कुल्फ़ी बनेगी, आइसक्रीम बनेगी, बहुत ही क्रीमी बनेगी। तो उसमें फिर ऐड कर देनी है शुगर टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप इसमें ना अपनी चॉइस के कोई फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब इसको अच्छे से मिक्स करना है, फिर हमें डाल देना है इसमें जो कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर बनाया था ना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एकदम से अगर आप डालोगे इसको तो इसके लम्स बन जाएंगे। कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर को इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए ना, थोड़ा गाढ़ा बन जाएगा दूध। जैसे ही हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे तो दूध जो है ना गाढ़ा बनने लग जाएगा। इसको ठंडा करने के बाद ना हमें फ्रिज में रख देना है कुछ देर के लिए, आधा एक घंटे के लिए। तो जैसे ही अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर हमें क्या करना है, एक बाउल में ले लेनी है क्रीम, होममेड क्रीम जो हम दूध के ऊपर बनाते हैं ना, मलाई जो बनती है उसी क्रीम का मैंने यूज़ किया है। अगर आपको मार्केट वाली क्रीम यूज़ करनी है तो आप अमूल की व्हिप्ड क्रीम ले सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। उससे भी बहुत ही अच्छी जो आइसक्रीम हमारी कुल्फ़ी बन के तैयार होगी, बहुत ही क्रीमी बनेगी। तो हमने तो यहाँ होममेड वाली क्रीम यूज़ की है, उसके अंदर जो हमें दूध वाला मिक्सचर था ना उसको डाल देना है और अच्छे से कुछ देर के लिए चलाना है। और उसके बाद हमें इसमें ऐड कर देने हैं अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स। अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालें, सिंपल भी बना सकते हैं। और उसके बाद हमें जो ड्राई फ्रूट डालेंगे, पर मिक्स करने के बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको फ्रीज़र में छोड़ देना है 5 से 6 घंटे के लिए। या फिर आजकल जो मिलते हैं ना पॉप्सिकल के मोल्ड मिलते हैं, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एयर टाइट कंटेनर में डाला था और एक जो कुल्फ़ी वाले मोल्ड मिलते हैं ना उसमें डाल दिया था, उन्हें अच्छे से ऊपर से पैक कर दिया था। और 5-6 घंटे के बाद जब बन के तैयार हुई ना, तो ऐसा हुआ क्यों, दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी थी और जैसे ही हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हुई और मौसम इतना ख़राब हो गया, बाहर ना बारिश स्टार्ट हो गई, तो हमने तो बारिश में भी खा दिया। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई थी। अगर इतना ही टेस्टी आइसक्रीम आप घर पे बना सकते हैं ना, तो मार्केट से लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आइसक्रीम बनी है, क्रीमी बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।